नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त मैं बिक्रमगंज के गोसाई मोहल्ला के में मौजूद हूं और यहां पर अभी मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूं, यहां पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी, जिसमें कि एक व्यक्ति, एक बच्चा होता है और वो मछली पकड़ने के लिए बिक्रमगंज स्थित अस्कामी नगर के काव नदी में जाता है और उसको पानी के साथ साथ उसके साथ बहाव होने लगती है और पानी के साथ साथ बच्चा बहने लगता है। उसको देखते ही उसके पिताजी भी आने के लिए कहीं ना कहीं वो भी पानी में उतरते हैं, लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज होती है कि बच्चे के साथ साथ उसके पिताजी को भी बहा करके लेके चली जाती है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें मैं जानकारी करूँगा, उनके परिजन एक मौजूद हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। जी, हमारा नाम मंजय कुमार सोनी है। अच्छा, आप ही के घर में ये घटना हुई है? जी। कौन थे जिनके साथ ये घटना हुई? हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? संजय कुमार सोनी। उनका बेटे का नाम क्या था? अनमोल कुमार सोनी। अच्छा, एक्चुअल में हुआ क्या था, तो थोड़ा सा घटना को विस्तार से बताइए। हम तो यहाँ पर थे नहीं जी, हम लोग गरीब आदमी, फेरी उरी करते हैं, देहात वहात करते हैं जी। तो गए थे नदी में मछली उछली मारने के लिए। वो बच्चा जाता नहीं था कभी मछली मारने के लिए और वो भी नहीं जाते थे, कभी कभार चले जाते थे। तो अचानक 11:30 बजे के करीब में कॉल आया कि ऐसा ऐसा घटना घट चुका है। उसके बाद में पूरा मोहल्ला टोला सब लोग दौड़े उधर, तो उनका तो लाश निकाला हुआ था, गए थे हम लोग तो। उसके बाद में लाश नहीं मिल रहा था मेरे भतीजा का, तो महल्ला का लड़का लोग अज्ञात लोगों के सहारे से लाश को निकाला गया। बहुत दुखद घटना यही है हमारे साथ। अच्छा, अभी शव को अंत परीक्षण किया गया है, पोस्टमार्टम हुआ शव का? जी। यहाँ पर अभी तो कोई पदाधिकारी आया? जी, आए थे। कौन पदाधिकारी आए थे? CO आए थे। अच्छा, उन्होंने निरीक्षण किया इस घटने का? जी। मांग क्या करना चाहेंगे पदाधिकारियों से जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं? मांग क्या करना चाहेंगे, गरीब परिवार से हैं, जो उचित मुआवजा हो मिलना चाहिए। क्या क्या गरीब क्या परिवार है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और मांग क्या होगी, जाने वाले तो चलेंगे और परिवार के मुखिया थे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? हमारा राजू कुमार शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से परिवार अभी तो बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जिसे दुखों का पहाड़ कहते हैं वो परिवार पर टूटा हुआ है, और जिससे मेरा भी निवेदन रहेगा लोगों से, खासकर जो नदियों में मछलियां पकड़ने जाते हैं, नदियों में नहाने जाते हैं, नदियों में किसी काम से जाते हैं, कृपया आप लोग सावधानी के साथ नदियों में उतरिए। और फिलहाल आपके साथ जो बच्चे जाते हैं कम से कम उनका जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि जो घटना इस परिवार के साथ हुआ, इस घर के सदस्य के साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। बाकी मेरा प्रयास का सलाह कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। यहाँ के पदाधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि इस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, इनको आर्थिक मुआवजा जो भी होती है वो देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि गया हुआ जान तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उस मुआवजे के पैसे से हो सकता है कि कुछ दिनों तक उनकी यादें भुलाने में इन लोगों को काम आ जाए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।